जी सलाम अलैकुम जी, बताइएगा मुझे आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आवाज आ रही है? जी रही है आप लोगों को? आवाज का बताइए। ठीक है जी, बाकी लोग ज्वाइन करते हैं तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने स्टार्ट किया वो प्लीज जरा थोड़ा सा समराइज कर दें कि हमने लास्ट टाइम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के हवाले से क्या क्या पढ़ा था। जी क्लास जी क्लास, प्लीज समराइज करें कि लास्ट टाइम हमने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के हवाले से क्या पढ़ा था।
है जी, डेफिनेशन पर्सनैलिटी की। ठीक है, कितने क्लस्टर्स होते हैं जी पर्सनैलिटी के, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के कितने क्लस्टर्स होते हैं, और क्लस्टर ए में कौन कौन सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आते हैं और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये अब आपने मुझे बताना है। ठीक है जी, वेरी वेरी गुड। चलें, मेरा ख्याल है कि मैंने आपको क्लस्टर ए पढ़ाया था अभी, और हमने क्लस्टर बी को डिस्कस करना था, और क्लस्टर बी स्टार्ट करना था। किधर थे हम लोग वैसे, कहाँ एंड किया था लास्ट लेक्चर हमने मेंटल हेल्थ में?
अच्छा जी, सॉरी ये डिस्कनेक्टेड हो गया था। हाँ जी, अब मुझे बताएं आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? और मैं अगेन वो क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि मैंने हमने कहाँ तक पढ़ा था। जी कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, प्लीज़ मुझे बताएं, फिर मैं आगे से स्टार्ट करूँ, ताकि क्योंकि ये डिस्कनेक्ट हुआ था इसलिए सारी चैट जो है ना ये ख़त्म हो गया मेरे पास से दोबारा। जी कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? जी कहाँ तक पढ़ा था? ऑनसेट से कहाँ, कौन से ऑनसेट से पढ़ना था मुझे ये बताएं, कहाँ ऑनसेट से पढ़ना है भाई? जी ऑनसेट कहाँ से पढ़ना है? मेरा तो ख्याल है कि मैंने आपको शायद क्लस्टर ए पढ़ा दिया था उस दिन, इधर तो जी मैंने उस दिन क्लस्टर ए पढ़ा दिया था आप लोगों को। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मैंने क्लस्टर ए पढ़ा दिया था आप लोगों को। आज हमने क्लस्टर बी स्टार्ट करना है, राइट? जी बताइए। हाँ जी, तो क्लस्टर बी स्टार्ट करना था हमने, तो क्लस्टर बी से स्टार्ट करते हैं। सो ये क्लस्टर ए है, इसके अंदर ये डिसऑर्डर्स हैं और इनकी जो करेक्टरिस्टिक थी वो थी ऑड एंड एक्सेंट्रिक होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्लस्टर बी में। तो क्लस्टर बी में मैंने आपको बताया था कि दो डिसऑर्डर हैं पर्सनैलिटी जो कि बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हैं, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, या फिर ये समझें कि आपके हॉस्पिटल्स के अंदर और ओपीडीज के अंदर ये पेशेंट ज्यादा पाए जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? इसमें एक जो है वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जो कि जो जराइम पेशा लोग होते हैं उनके अंदर होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। और दूसरा जो है वो है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये अपने आप को हार्म पहुंचाते हैं, सेल्फ हार्म करते हैं, इसलिए भी ये जो लोग हैं क्लस्टर बी में नंबर वन एंटी सोशल और नंबर टू बॉर्डर लाइन, ये हमें ओपीडीज में भी मिल जाते हैं। और उसके बाद जो है ये हमें इन पेशेंट यूनिट्स के अंदर भी मिल जाते हैं, क्योंकि या तो ये अपने लिए खतरा होते हैं या दूसरों के लिए खतरा होते हैं। बाकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है उनको डायग्नोज करना, उनको तलाश करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं इनको ट्रीट करना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। अच्छा जी, सो अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा इनकी करेक्टरिस्टिक्स की तरफ। ये जो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर
हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इनके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, तो हमने पढ़ा था जो क्लस्टर बी वाले होते हैं दे आर वेरी ड्रामेटिक, ठीक है, ड्रामेटिक और इमोशनल होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यही चीज आपको इनके अंदर जो है नजर भी आएगी अभी आप जब इसको हम पढ़ते हैं, दे आर ड्रामेटिक एंड जो है इमोशनल, वेरी इमोशनल, राइट। तो सबसे पहला इसके अंदर है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो अगेन मैं आप लोगों को बता दूं, शोर आ रहा है, ये टेबल पढ़ाया था, अभी भी शोर आ रहा है, क्लास मुझे बताएं शोर का। जी शोर का बताएं मुझे पहले, फिर आगे चलता हूं। चलें क्लियर हो गया तो गुड हो गया, सही है। सो हाँ जी, मुझे पता है कि ये टेबल मैंने थोड़ा सा आप लोगों को करवाया था, सारा नहीं करवाया था, राइट। तो चलते हैं हम एंटी सोशल की तरफ। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम आपको बता भी दिया था कि जितने भी जराइम पेशा लोग होते हैं वो ये वाले क्लस्टर या इस वाले जो है ना एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं, they disregard for right of others and rules and laws, ठीक है, they don't obey rules, they don't obey law, बड़े stubborn किस्म के डिटेल के लोग होते हैं, और मतलब अगर ये किसी लॉ को तोड़ते हैं तो वो उसको तोड़ना अपना हक समझते हैं, और इसके अलावा दूसरों बहुत ज्यादा जो है अग्रेसिव किस्म के लोग होते हैं, गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है इन्हें, तो ये चीजें इन लोगों के अंदर जो है ना वो बहुत ज्यादा कॉमन पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये था जनाब एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और इस तरह के पेशेंट्स को हमने नर्सिंग इंटरवेंशन क्या देनी है, लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को आई थिंक बताया था कि प्लीज आप लोगों ने इसको जो है ना बुक से अच्छे तरीके से जो है ना स्टडी करना है, ठीक है, बुक से अच्छे तरीके से स्टडी करना है। यहाँ पर जस्ट एक तरह की गाइडलाइन जो है वो आपके लिए लिखी गई है। सो नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या था, लिमिट सेटिंग करनी है, कन्फ्रंट करना है और टीच करना है क्लाइंट्स को लिमिट में रहने के लिए, और उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने जो है ना वो सेट करने हैं, ठीक है, और अगर वो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ता है तो उसको हमने फिर कन्फ्रंट करना है, ठीक है जी। उसके बाद जनाब नेक्स्ट आ जाता है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, दे हैव वेरी अनस्टेबल रिलेशंस, इनके स्टेबल नहीं होते। उसके बाद सेल्फ इमेज एंड अफेक्ट इम्पल्सिविटी एंड सेल्फ म्यूटिलेशन, अपना सेल्फ इमेज इनके लिए इनकी नजर में अच्छा नहीं होता, अपने आप को हमेशा ब्लेम करते रहते हैं। उसके बाद जनाब है इसमें हमारे पास कि दे आर वेरी इम्पल्सिव, जो भी दिल करता है फौरन से उस चीज पे एक्शन ले लेते हैं, उस काम को कर लेते हैं। और लास्ट सेल्फ म्यूटिलेशन, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये लोग भी हॉस्पिटल्स में इसलिए पाए जाते हैं, ये ओपीडीज में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जैसे कभी अपनी नब्ज काट ली, कभी कोई कट शट लगा लिए, और इस तरह की चीजें जो है इनके अंदर पाई जाती हैं। इस तरह के पेशेंट्स को अब कैसे नर्सिंग इंटरवेंशन देनी है, कैसे अप्रोच करना है, सबसे पहले तो इंश्योर करें कि क्लाइंट सेफ रहे, अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए, और हेल्प क्लाइंट टू कोप एंड कंट्रोल इमोशंस, के बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं तो अपनी स्ट्रेसेस के साथ किस तरह कोप करना है और इमोशंस को किस तरह से जो है स्टेबल रखना है। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग सिखाई जाती है और सोशल स्किल्स सिखाई जाती है कि रिलेशंस को किस तरह से हमने स्टेबल रखना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वी हैव हिस्ट्रियोनिक। हिस्ट्रियोनिक से पहले यार मैं जरा लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा लूं, ठीक है, आप लोग जरा अटेंडेंस बोलें, ठीक है, अटेंडेंस बोलें, और फिर हम जो है ना 5 मिनट के अंदर अंदर स्टार्ट करते हैं।
अच्छा यार, मेरे पास हो रही है अजान, ठीक है, नमाज पढ़ लें आप लोग, 10 मिनट का ब्रेक देता हूँ आपको, उसके बाद जो है ना हम ज्वाइन करते हैं, और इससे आगे जो है हम प्रॉपरली फिर इसको लेके चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो अजान, नमाज ब्रेक लें, नमाज ब्रेक लें। जी आवाज आ रही है? जी नमाज ब्रेक ले लें टिल 5:35, 5:35 पे आप लोग ज्वाइन करें दोबारा।
हाँ जी, उन लोगों बाकी लोगों को कहें कि वापस ज्वाइन कर लें ताकि हम आगे स्टार्ट करें। हाँ जी क्लास, मुझे बताएं आवाज़ आ रही है आप लोगों को अब ठीक? और बाकी लोगों को बुलाएं ताकि हम आगे जो है ना इसको कंटिन्यू करें लेसन को। ठीक है जी, सो आगे मूव करते हैं, आगे चलते हैं। सो व्हाट वी हैव हियर नेक्स्ट, वी हैव हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, सो हिस्ट्रियोनिक में क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं यार? बाकी लोगों को कहें ज्वाइन कर लें ताकि हम आगे चलें। हाँ जी, जी नार्सिसिस्टिक के बारे में पहले पढ़ाया है मैंने कुछ, या किसी को आइडिया हो नार्सिसिस्टिक का क्या मतलब होता है? हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को, बताइए। ठहरे, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ।
नहीं, अग्रेसिव बिहेवियर नहीं होता नार्सिसिज्म में। और कोई? हाँ जी, नार्सिसिज्म इज अबाउट खुद पसंदी, ठीक है। इसको नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो अपने आप को बड़ा कुछ समझते हैं, ठीक है। लैक ऑफ एम्पथी होती है, नीड फॉर एडमायरेशन, तारीफ करें तो बहुत खुश होते हैं। चलें, इसमें क्या इंटरवेंशन करनी है? मैटर ऑफ फैक्ट अप्रोच अपनानी है, गेन कोऑपरेशन विद नीडेड ट्रीटमेंट, टीच क्लाइंट एनी नीडेड सेल्फ केयर स्किल्स। तो दे थिंक दैट वो बादशाह हैं, मतलब दे आर समथिंग, दे आर वेरी प्रिटी, इस तरह की चीजें वो अपने आप को समझते हैं। तो दिस इज नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें इंसान खुद पसंदी का शिकार जो है ना वो हो जाता है। जी, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो ये थे क्लस्टर बी वाले, जो कि ड्रामेटिक और इमोशनल लोग थे। अब हम नेक्स्ट जो आ रहे हैं वो है जी क्लस्टर सी। और ये जो लोग होते हैं, इनकी क्या खसूसियात थी क्लास जी? क्या क्या इनकी ट्रेट थी जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी? क्लस्टर सी वाले किस तरह के होते हैं? हाँ जी, ये एंक्शियस और फियरफुल लोग होते हैं। तो इसके अंदर जो था, तीन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। नंबर वन इज अवॉइडेंट, नंबर टू इज डिपेंडेंट, और नंबर थ्री इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव, ठीक है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हमने पढ़े हैं, दैट इज डिफरेंट। और ये जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, दिस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट, ठीक है। ये उससे डिफरेंट है। अब क्या डिफरेंट है ये हम अभी यहाँ पे देख लेते हैं। सो नंबर वन पे है जी अवॉइडेंट, दे हैव सोशल इनहिबिशन, ठीक है। उनके अंदर सोशल इनहिबिशन होती है, फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी होती है। सोशल इनहिबिशन का मतलब है कि अकेले रहना पसंद करते हैं, अवॉइड करते हैं सोशल गैदरिंग्स वगैरह को। फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी, खालीपन होता है, और लाइक दे थिंक दैट दे आर नथिंग। हाइपर सेंसिटिव टू नेगेटिव एवेल्युएशन, अगर कोई उनको बात कर दे तो बैठ के काफी देर सोचते रहते हैं उस चीज पे। तो इस तरह के पेशेंट्स को क्या करना है? सपोर्ट एंड रीएश्योरेंस देनी है, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है, उनकी सोच तब्दील करने की कोशिश करनी है, और सेल्फ स्टीम को जो है ना बूस्ट करना है उनकी। आई थिंक सेल्फ स्टीम को बूस्ट करने के हवाले से मैंने आप लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंदर काफी डिटेल में पढ़ाया था। उसके बाद जनाब आ जाता है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो डिपेंडेंट जो होते हैं, सब मिसेज एंड क्लिंगिंग बिहेवियर होता है, एक्सेसिव नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। डिपेंडेंट वो लोग होते हैं जो कि कोई भी अपना काम इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाते। कोई भी काम करने के लिए उनको मोस्टली किसी एक बंदे की जरूरत होती है, ठीक है। और सब मिसिव एंड क्लिंगिंग बिहेवियर होता है, किसी एक बंदे के पीछे 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 भेजते रहते हैं, या फिर उसके साथ जुड़े रहते हैं। सब मिसिव होते हैं, मतलब असर्टिव नहीं होते। सब मिसिव, आई थिंक मैंने आपको बड़ी डिटेल में असर्टिवनेस के अंदर पढ़ाया हुआ है। तो ऐसे सिनेरियो में फोस्टर क्लाइंट्स सेल्फ रिलायंस एंड अटोनमी, ठीक है। क्लाइंट की सेल्फ रिलायंस और अटोनमी को फोस्टर करना है,
क्लाइंट को ट्राई करना है कि खुद से वो डिसीजंस ले, खुद से अपने काम करे, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखानी है उसे, और डिसीजन मेकिंग के बारे में डेफिनेटली उसे बताना है, और कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग टेक्निक इसके ऊपर भी इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट वी हैव ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। दे आर प्रीऑक्यूपाइड विद द ऑर्डरलीनेस, परफेक्शनिज्म एंड कंट्रोल। वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर चीज को परफेक्ट करना चाहते हैं, और ऑर्डरलीनेस मतलब एक जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं, आप इनका पर्स देखेंगे, बड़ी तरतीब से चीजें रखी होंगी, आप इनके कबर्ड देखेंगे, बड़े एक चीज को अलग अलग करके, कलर्स को डिफरेंट करके इन्होंने अपनी कबर्ड जो है वो सेट की होंगी, इनकी वार्डरोब्स जो है वो बड़ी नफासत के साथ जो है ना वो सेट हुई होंगी, और हर काम को ये परफेक्टली करना चाहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की हमें ये जरूरत है कि कोई भी काम जो है ना हम परफेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो परफेक्शन के चक्कर में अपने बाकी सारे कामों को जो है ना निग्लेक्ट कर देंगे, और एक जो है काम उसको परफेक्ट करने की कोशिश में लगे रहेंगे। सो इनकरेज निगोशिएशन विद अदर्स, ठीक है। असिस्ट क्लाइंट टू मेक टाइमली डिसीजन एंड कम्प्लीट वर्क, कि टाइमली डिसीजन करें, चीजों को परफेक्ट करने के चक्कर में आप चीजों को नजरअंदाज नहीं करें, जो भी काम करें मतलब अकॉर्डिंगली आप कर लें, ये ना उसको परफेक्ट करने के चक्कर में जो है ना मतलब आप कुछ भी ना कर सके एट द एंड। और कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग टेक्निक, इनको भी सोच बदलने की जो है ना वो सिखाया जाता है। नेक्स्ट जनाब हमारे पास आ जाते हैं दो अदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, जिसमें एक डिप्रेसिव है और एक पैसिव अग्रेसिव है। आई थिंक पैसिव अग्रेसिव के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी जब मैं असर्टिवनेस पढ़ाया था उसमें थोड़ा सा बता चुका हूँ। सो डिप्रेसिव के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। डिप्रेसिव पैटर्न ऑफ डिप्रेसिव कॉग्निशन एंड बिहेवियर इन अ वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट, के हर कंडीशन के अंदर दे विल बिहेव स्लो सैड, ठीक है। तो डिप्रेसिव क्लाइंट्स की तरह जो है ना वो बिहेव करेंगे, और दे आर एट रिस्क फॉर सुसाइड एज वेल। सो इनको सेल्फ हार्म का रिस्क असेस करना है, प्रोवाइड फैक्चुअल फीडबैक, इनकी सेल्फ स्टीम को भी बूस्ट करने की जरूरत है, और इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट इन द एक्टिविटीज, और डिफरेंट जो एक्टिविटीज हैं उसमें इंक्रीज इनकी इन्वॉल्वमेंट करें, क्योंकि ये अकेले और अलग अलग रहना पसंद करते हैं। लास्ट में आ जाता है पैसिव अग्रेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो पैसिव अग्रेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है? अच्छा जी प्लीज अगर कोई मुझे बता सके, व्हाट इज पैसिव अग्रेसिव? जी पैसिव अग्रेसिव क्या होता है? मैंने पीडी में आई थिंक आप लोगों को थोड़ा डिटेल में ये पढ़ाया हुआ है पहले। नहीं जी नहीं जी। अच्छा सो पैटर्न ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड एंड पैसिव रेजिस्टेंस टू डिमांड फॉर एडिक्वेट परफॉर्मेंस इन सोशल एंड ऑक्यूपेशनल सिचुएशन, मतलब है जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि किसी के ऊपर इनडायरेक्टली गुस्सा निकालना, उसके सामने बड़ा अच्छे से रहना और बाद में उसे कोई नुकसान पहुंचा देना, इज पैसिव अग्रेसिवनेस। हाँ पैटर्न ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड एंड पैसिव रेजिस्टेंस ऑफ डिमांड,
मतलब नेगेटिव एटीट्यूड होता है इनका, और पैसिव रेजिस्टेंस फॉर डिमांड क्या है, मतलब उनसे कोई काम कहा गया वो आपको कहेंगे हाँ जी हाँ जी बिल्कुल अच्छे से काम हो जाएगा, लेकिन वो क्योंकि काम नहीं करना चाहते हैं तो अगले दिन वो आपको कोई ना कोई बहाना सुना देंगे जी ये काम इस वजह से नहीं हो सका। तो ऐसे क्लाइंट्स के लिए नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, हेल्प क्लाइंट टू आइडेंटिफाई फीलिंग्स एंड एक्सप्रेस देम डायरेक्टली, असिस्ट क्लाइंट टू एग्जामिन ऑन फीलिंग्स एंड बिहेवियर रियलिस्टिकली, तो क्लाइंट को फिर उनका बिहेवियर जो है ना रियलिस्टिकली एवेल्युएट करने के लिए कहा जाता है कि अगर आपके साथ इस सिचुएशन में कोई ऐसा करता तो फिर आपको कैसा लगता, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना फिर वो क्लाइंट को जो है ना बताई जाती हैं। अच्छा जी ये वाला सेशन मैं एंड करने लगा हूँ, आप लोगों ने जो है ना अब नेक्स्ट सेशन जो है ना उसको ज्वाइन करना है, उसमें फिर हम नेक्स्ट जो है ना आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस सेशन को मैं एंड करूंगा, नेक्स्ट सेशन आप लोग ज्वाइन करेंगे।